एक काम करिए, दीवार का सारा मत दीजिए, ऐसा ही लगेगा। आप कोशिश करिए पूरा, आधे बार भी मारने की कोशिश करिए, नहीं हो रही। ठीक है, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो गया, पीछे हो गया। अब कोशिश करिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाया जा रहा। अब आप एक काम करिए, आलती पालती मार के दिखाइए, पहले बिल्कुल भी नहीं लग रही थी ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। 1 2 3। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अमित भारती, सुश्रुत आयुर्वेद दर्शन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों आज हमारे पास फिर से पेशेंट आए हैं, ए वैस्कुलर नेक्रोसिस के दिल्ली से। वाजिद जी आए हैं हमारे पास। ए वैस्कुलर नेक्रोसिस का अभी आयुर्वेदा में कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, एडवांस स्टेज का ए वैस्कुलर नेक्रोसिस इनको है। अभी इनकी रिपोर्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले जो है इनके मूवमेंट चेक कर लेते हैं, एक हफ्ते में क्या क्या मूवमेंट देने वाले हैं इनको, ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। सबसे पहले आप ये वाला पैर थोड़ा देखिए, ये वाला पैर, इसके मूवमेंट ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। एडवांस स्टेज का ए वैस्कुलर नेक्रोसिस है, ग्रेड 4 इसमें है। इतना और ये वाली कोहनी मिला दी आपको, तो सब करीब से दिखाओ, इतना गैप बच रहा है ना, एक हफ्ते में आराम से मिलाएंगे इसे। ये वाला मिलना और ये वाली कोहनी मिलाएंगे। देखो इसमें एडवांस स्टेज का ए वैस्कुलर नेक्रोसिस है, इसे मिलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हफ्ता में आराम से मिलेगा, 1 वीक में आराम से मिलेगा ये चीज़। अब इसे खड़ा करिए, देखो ये वाला मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है इनका, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तक तो ले आएंगे एक हफ्ते में। ये वाली मूवमेंट थोड़ा सा लेट में आती है मैक्सिमम पेशेंट की, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही हफ्ते में नहीं जाएगा, 1.5 से 2 मंथ लगते हैं, यहाँ तक जरूर लेके जाएगा, ठीक है। ए वैस्कुलर नेक्रोसिस इसमें ग्रेड 2 है, इसे 110% मिला देंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम यह है, आप आधी बात मार के दिखाइए, चौकड़ी मार के दिखाइए। मैक्सिमम ए वैस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट का सपना होता है आधी बात, क्या पॉसिबल है? नहीं हो रहा पा, बिल्कुल भी नहीं। एक काम करिए, दीवार का सहारा मत दीजिए, ऐसा ही लगेगा। आप कोशिश करिए पूरा, आधे बार भी मारने की कोशिश करिए, नहीं हो रही। और उठक बैठक, उठक बैठक मार के दिखाइए, पहले सब नहीं होगा, कोशिश करो एक बार, कोशिश करो, इतना जाया जाएगा उतना जाया जाएगा, जितनी कोशिश करिए करो। देखिए, ए वैस्कुलर नेक्रोसिस जो है एडवांस स्टेज का लेफ्ट साइड है, राइट साइड जो है ग्रेड 2 है ना, तो हेड ऑफ फीमर की स्थिति थोड़ी सी ज्यादा खराब है, कार्टिलेज बिल्कुल डैमेज है, हेड ऑफ फीमर और एसेटाबुलम के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, यहाँ पे भी सेम स्थिति है, लेकिन इसकी स्थिति इससे काफ़ी बेटर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अमित भारती, सुश्रुत आयुर्वेद दर्शन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों वाजिद का जो है 7 दिन का ट्रीटमेंट कम्प्लीट हो गया है, आज वाजिद यहाँ से डिस्चार्ज होने वाले हैं। तो सबसे पहले वाजिद को पूछेंगे कि 7 दिन का ट्रीटमेंट कैसा रहा, वाजिद कैसा रहा 7 दिन का ट्रीटमेंट, कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पे स्टिफनेस ज़्यादा थी, अब थोड़ा नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ है, ये कमर वाला एरिया, ठीक है। तो अभी जो है सबसे पहले वालिद के मूवमेंट चेक किए जाए, मूवमेंट एविडेंस होता है कि 7 दिन में जो है मूवमेंट आए या नहीं आए, है ना। तो ठीक है, सबसे पहले वालिद ये वाला लेफ्ट वाला पैर खड़ा करिए, हाँ खड़ा करिए, बहुत बढ़िया, पहले से बेटर है ना, मच बेटर, ठीक है ठीक है। नीचे वाला करिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप एक काम करिए, ये वाला घुटना और वाली कोहनी मिलाइए, बहुत बढ़िया, ठीक है, परफेक्टली मिल रही है। ये वाला घुटना, ये वाली कोहनी मिलाइए, ठीक है, इसमें थोड़ा सा गैप रह गया है, लेकिन पहले से मच बेटर है ना, हाँ इतना था ना, अभी करिए, इतना मूवमेंट वापस आया है। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना, हम एक ही हफ्ते में पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, तो 1.5 से 2 मंथ में ये चीज़ें आराम से आ जाएंगी। अब आप एक काम करिए, आलती पालती मार के दिखाइए, पहले बिल्कुल भी नहीं लग रही थी ना। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, अभी आलती पालती भी काफ़ी हद तक आना शुरू हुई है, 1.5 से 2 मंथ में ये चीज़ें भी प्रॉपर हो जाएंगी, ठीक है। अब आप एक काम करिए, उठक बटक मार के दिखाइए, जो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी आपसे, अब मारिए मारिए, ठीक है। 1 2 3 4 5। दोस्तों ठीक है डन है, बैठो। तो दोस्तों जेन्युइन चीज़ें तो इतनी ही होती हैं,
काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पेशेंट्स को जो है हम मूवमेंट एक ही हफ्ते में बहुत सारे दे देते हैं। अभी बिना सपोर्ट के भी 1.5 से 2 मंथ में आप उठक बैठक मारना शुरू कर लोगे। अभी सपोर्ट के आधार पे हो रही है ना, पहले तो ये भी नहीं हो रही थी ना, चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, अभी इम्प्रूव हो रही हैं धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, वापस आइए, एक बार और जाइए पीछे। तो जो है यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट चले हैं, कुछ ध्यान है आपको, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, ट्रीटमेंट कितने चले हैं? हाँ, लेप लगा हुआ है, स्टीम हुआ था, रक्तमोक्षण हुआ था, एक्सरसाइज बस्ती हुई थी जी, ठीक है, विद्धगम अग्निगम जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और रेगुलर एक्सरसाइजेस है ना, और डाइट प्लान दिया गया था ना एक प्रॉपर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होने के बाद ही एवास्कुलर नेक्रोसिस का ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। अभी भी ट्रीटमेंट वाजिद ट्रीटमेंट खत्म हो गया, ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, एक वीक का तो हो गया, लेकिन आगे का क्या प्रोटोकॉल है? आगे भी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कितना लगभग कितने महीने तक करना है, क्या करना है? 2 महीने तक प्रॉपर बस्ती लेनी है ना, तब जाके ये एवास्कुलर नेक्रोसिस प्रॉपर क्योर होता है। तो दोस्तों मिलते रहेंगे आपको इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आयुर्वेद को अपनाइए, जीवन को अपनाइए।